प्रोग्राम जायजा के साथ मैं हूं फैज़ान आरिफ। ये मुल्क जिसे हम बरतानिया कहते हैं यानी यूनाइटेड किंगडम, यहाँ 6 करोड़ से ज़्यादा लोग आबाद हैं और इस 6 करोड़ आबादी के मुल्क में एशियाई आबादी का तनासुब कमोबेश 7% है। इस 7% तनासुब में भी बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जो हमारी एशियाई कम्यूनिटी के लिए रोल मॉडल हैं, फ़ख्र का बाइस हैं, प्राइड हैं। ऐसी एक शख्सियत आज हमारी मेहमान हैं और इनका नाम, इनका काम पूरे बरतानिया में रहने वाले लोग उससे वाकिफ़ हैं। एक ज़माना था ये मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर थे, फिर उसके बाद लोग जानते हैं कि यूरोपीय पार्लियामेंट के ये बड़े फाल रुकन मुंतखब हुए और उसके बाद आजकल ये मैनचेस्टर से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं। और आपकी तकारीर अगर आप बरतानवी पार्लियामेंट की कार्रवाई देते हैं वहाँ भी सुनते रहते होंगे। जनाब अल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल इस मुल्क के अंदर लोग सियासत से बड़े बेजार हुए हैं और सियासतदानों के बारे में भी सोचते हैं कि सियासतदान बड़े दूरंदेश होते हैं, बड़े अच्छे फैसले करते हैं, मुल्क और कौमों को जो है वो किसी अनसर्टेनिटी में नहीं रखते। उनके सामने एक हुकूमत अगर अच्छे फैसले नहीं कर रही तो अपोजिशन जो है वो मुतबादिल के तौर पर अच्छी अच्छी चीज़ें उनके सामने रखती है। लेकिन ये जो ब्रेग्जिट का मामला है, यूरोपीय यूनियन से निकलने का मामला है, अब रेफरेंडम को भी कई बरस हो गए लेकिन चीज़ें अभी तक उसी तरह उलझी हुई हैं। आप क्योंकि बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं और यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन रहे हैं, वहाँ के हालात भी जानते हैं, यहाँ के हालात भी जानते हैं, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ बरतानवी सियासत का मसला नहीं है। आप अब देखें दुनिया भर में तो नज़र आ रहा है कि ये जो पॉपुलिस्ट टाइप की मूवमेंट है, पूर लीडरशिप है, ये नज़र आती है। डोनाल्ड ट्रंप को देखें आप अमेरिका में, हमारे इंडिया में भी इलेक्शन हुआ है, दूसरी जगहों में भी आपको एग्जांपल मिलेंगे कि ये जो एक्सट्रीम आइडियाज़ हैं इसको हवा ज़्यादा मिल रही है। तो जहाँ तक बरतानिया का तल्लक है तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि अफसोस की बात है कि जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने 3 साल से सिंगल एजेंडे पर काम किया है। तो मैं इसको करीब से देखता हूँ, मैं सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, मैं शैडो मिनिस्टर हूँ और पर्टिकुलरली मैं इमिग्रेशन मिनिस्टर हूँ और ब्रैकेट का एक हिस्सा जो है वो इसका तल्लुक इमिग्रेशन के साथ भी है जिसके रिजल्ट हुआ था। तो मैं खुद अफसोस मुझे फील होता है कि जो अनसर्टेनिटी पैदा की है ये एक्चुअली किसी के लिए मुफीद नहीं है। आपकी पोजिशन रिमेन की हो सकती है, ये वैलिड पोजीशन है। आपकी पोजीशन ब्रेक्सिट की हो सकती है, ये भी वैलिड पोजीशन है। दोनों साइड पे आर्ग्यूमेंट्स हैं लेकिन ये किसी तरफ ना बैठना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वो परेशानी है, मैं समझता हूँ, वो देख रहे हैं हम कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रेफरेंडम खेल खेला, उनकी छुट्टी हो गई, उनके बाद दूसरी टीजा में आई, उन्होंने खेल खेला, नेगोशिएट किया, डील करके लेके आए, देखा कि 3 बार बरतानिया पार्लियामेंट ने इस डील को रिजेक्ट किया है, उनकी खुद अपनी पार्टी इसको रिजेक्ट कर रही है। और अब एक नए लीडरशिप कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर आ रहा है, 12-11 के करीब शुरू हुए, अभी 10 रह गए हैं, चंद दिनों में ये महदूद होके 2 रह जाएंगे। मेरी फोरकास्ट ये है कि इनमें से जो भी अब बनेगा वो भी फेल हो जाएगा। हाँ, यही मेरा सवाल था कि उनके पास जो नए कायद या वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे टोरी पार्टी के, तो उसके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं होगी कि वो सारी गुत्थियाँ एकदम सुलझा देंगे? यही प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत से ये जो कैंडिडेट हैं जी, ये खुद कैबिनेट के अंदर रहे हुए हैं। ठीक, तो अगर आप कैबिनेट के अंदर थे तो ये कैबिनेट कलेक्टिव लीडरशिप होती है जी, तो अगर आपके पास कोई मैजिक था तो पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ठीक, तो नज़र ये आ रहा है कि एक्चुअली इनके पास कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ मुख्तलिफ तरीके से चीज़ों को हवा दे रहे हैं, नई रुख थोड़ा सा तब्दील करके पेश कर रहे हैं, फंडामेंटल जो पॉइंट है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और फंडामेंटल जो पॉइंट है वो ये है, एक तो यूरोपियन लीडरशिप है जी, उन्होंने संजीदगी के साथ नेगोशिएट की है, ये उनका हक था कि वो अच्छी से अच्छी डील लें अपने लिए, अपने क्योंकि वो दूसरे फ्रीक हैं। ठीक, हमारा काम था कि हमारी लीडरशिप जो है वो अच्छी से अच्छी डील ले जो बरतानिया के मफाद में हो। ठीक, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं की तो वो क्यों दोबारा खोलेंगे जो डील उन्होंने की हुई है? वाली थी वो यूरोपीय यूनियन के हक में थी, बरतानिया के तो हक में नहीं थी।
आप हम ये कह रहे हैं, हाँ, ख्याल लेकिन सवाल ये है कि जब दो पार्टी निगोशिएट करती हैं तो हर एक पार्टी का हक है ना कि वो अपने लिए अच्छे से अच्छा सौदा करे। तो अगर उन्होंने अच्छा सौदा कर लिया है तो ये उनका कसूर तो नहीं है ना। सही, कसूर तो हमारा है कि हमारी लीडरशिप ने वो अच्छा काम नहीं किया। ये एक प्रॉब्लम है जी। तो वो क्लियर कह रहे हैं कि भाई जो फ्यूचर डील है उस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं, ये जो डील निगोशिएट हो रही है डिवोर्स के नुक्ते नज़र से ये अब दोबारा नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनके लिए मुश्किलात ये है कि वो 27 मुल्क हैं, आपके एक मुल्क नहीं संभाला जा रहा कि एक जगह पे आके फैसला कर सके। तो अगर वो खोलेंगे तो उनको 27 को बांधना किसी जगह पे वो भी तो मुश्किल है ना, एक थाली में इतने सारे मेंढक कैसे इकट्ठे करेंगे। तो अब दूसरी तरफ पॉइंट ये प्रॉब्लम है कि जो भी लीडर बने, बोरिस जॉनसन साहब बने या माइकल गव साहब बने, साजी जावेद का भी इम्कान है बनने का कोई? मुझे नज़र नहीं आता। मुझे बहुत खुशी होती अगर ये होता तो, अपोजिशन होने के बावजूद हमारे लिए खुशी है कि अपना आदमी एशियन हमारे लिए अच्छा रोल मॉडल बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है, बरतानिया के लिए अच्छा एग्जाम्पल है, होम सेक्रेटरी भी हैं, हाँ हैं भी हैं, सीनियर लेवल पे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि कंजर्वेटिव पार्टी इस पोजिशन पर है कि अल्टीमेटली वो किसी अपने ब्लैक आदमी को, एशियन आदमी को अपना लीडर मुंतखब करें। बिल्कुल ठीक। इसी ब्रेग्जिट पे और भी सवाल आपसे करने हैं, पूछना ही चाहता हूँ कि जब ये पहली दफ़ा डेविड कैमरॉन इस्तीफा दे के गए, पीज़ा में आई और उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन कराए, अगर लेबर पार्टी की पॉलिसी बहुत वाजे होती इस ब्रेग्जिट के हवाले से और बहुत सारे मामलों पर, तो एक बड़ा, या आपकी लीडरशिप मजबूत होती, यानी टोनी ब्लेयर जैसा कोई लीडर होता, तो शायद ये टोरीज को दोबारा हुकूमत ना मिलती, लोग ये भी कहते हैं। आपकी लीडरशिप पे भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं और लेबर पार्टी में भी तकसीम है, जेरमी कॉर्बन के हवाले से तहफ़ात हैं लोगों के। तो एक तरफ जहां हम ये बात करते हैं कि टोरी लीडरशिप कमज़ोरी का इजहार कर रही है, दूसरी तरफ जब वो अपोजिशन की जमात यानी लेबर पार्टी की लीडरशिप की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ भी कोई रोशनी नज़र नहीं आती। आई थिंक ये बात फेयर होगी कहना कि कुछ मसाइल लेबर पार्टी की लीडरशिप के अंदर भी हैं। तो मैं इस तरह बात नहीं करूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर एक इशू ले लें, ब्रेग्जिट का इशू, एक तरफ टोरी पार्टी की पॉलिसी, आपके पास मुतबादिल होना चाहिए था कि टोरी पार्टी ये चाहती है, कंजर्वेटिव ये चाहते हैं, तो हमारे पास ये मुतबादिला, इनके पास ये डील है तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ऐसी कोई वाज़े चीज़ सामने नहीं आई। जी, मैं इस बात पर मुतफिक नहीं हूँ। आप ये देखें कि लेबर पार्टी ने शुरू से अपने नुक्ते रखे थे कि ये हमारी मेजरमेंट होगी डील के लिए, जो डील खुद दूसरी पार्टी कह रही थी हम करेंगे। ठीक। तो थ्रू आउट हमारी कंसिस्टेंसी रही है उन नुक्तों पे और हम उसी पे मेजरमेंट करते रहे हैं। हम पे ये इल्ज़ाम लगाना जायज़ नहीं है क्योंकि हम अपोजिशन हैं, हमने तो वो डील नहीं की ना। अगर हम हुकूमत में होंगे तो हम डील करेंगे ना, तो हम उस लाइंस पे क्लियर हैं। इसके अभी जब फेलियर, जब आप इंतखाबात में गए थे, मिड टर्म इलेक्शन में गए थे, वहाँ उस पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो मेरा अर्ज ये है कि आप ये देखें कि हमारे हालात क्या थे जब इलेक्शन हुआ था जी। ट्रीज़ा मे ने इलेक्शन किया इसलिए था कि उसे ये नज़र आ रहा था कि वो 20 पॉइंट लेबर पार्टी से आगे थे, तो उनका ख्याल ये था कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि पार्टी डिसरे है, लेबर पार्टी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं लैंडस्लाइड करके मैं और मज़बूत हो जाऊंगी। ठीक ठीक। तो उन्होंने ये कॉल किया था, हमारा कॉल नहीं था। हमारा काम ये था उस वक़्त कि जितनी जल्दी से, जितनी मज़बूती से डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को डिफेंड करें। और आप इस चीज़ से वाकिफ हैं, जब इलेक्शन का रिज़ल्ट हुआ तो हमने 40-50 सीटें टोरी पार्टी से ली थी जी। बेशक हमारे लिए खुशी नहीं थी कि हम जीत जाते, लेकिन हम उस इलेक्शन में 20 नेगेटिव पॉइंट को रिकवर करके पॉजिटिव पॉइंट पे पहुंचे और 50 के करीब सीटें हमने रिकवर की। मेरा ये एसएनपी से भी आपने कुछ सीट्स ली जी गई थी। मेरा ख्याल ये था अगर एक हफ्ता और होता जिस मोमेंटम से लेबर पार्टी आगे आ रही थी तो ये यकीनी तौर पर लेबर गवर्नमेंट होनी थी। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। हमने कुछ रिकवरी की लेकिन इनफ रिकवरी नहीं थी कि हम हुकूमत बनाते, इसीलिए इस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जो उनका लॉस हुआ था। उनके पास मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी
मेजॉरिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने के बाद दोबारा उनके पास अब मिनॉरिटी गवर्नमेंट, और ये कुछ मुश्किलात इस वजह से हैं कि उन्होंने ये रॉन्ग डिसीजन किया था वक्त से फ़ायदा उठाने का, जो आवाम को खुद पसंद नहीं आया था उन्होंने ये रिज़ल्ट दिया था। तो लेबर पार्टी की वन ऑफ हाइस्ट टर्न आउट था। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जब भी अब इलेक्शन होगा तो अगली बार आप देखेंगे कि ये लेबर गवर्नमेंट होगी। क्या ये जो यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन हुआ है इससे भी कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? जी ना, होता है अंदाज़ा। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इसको फेयर तरीके से देखें तो दो तीन चीज़ें सामने आती हैं इस इलेक्शन से। एक तो ये हुआ है कि जो दोनों मेन पार्टी हैं इनको मार पड़ी है, ठीक, लेकिन इसको अगर आप मेजरमेंट करें तो बहुत ज़्यादा मार जो है गवर्नमेंट को पड़ी है जी, और किसी हद तक कुछ मार हमको पड़ी है, ठीक। और इसका फ़ायदा किसे हुआ है? तो फ़ायदे में आपको दो चीज़ें नज़र आती है, जो तो ब्रेक्सिट पार्टी थी उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और उसके बाद जो दूसरी छोटी जमातें थीं ग्रीन पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट, ये दोनों छोटी जमातों को फ़ायदा हुआ है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग लोग तो मुख्तलिफ जगहों पर जाके सेटल होते हैं ना वोटिंग में, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रेक्सिटियर थे जो निकलना चाहते थे वो ज़्यादातर ब्रेक्सिट पार्टी की तरफ तवज्जो दी है उन्होंने, और जो रिमेन करना चाहते थे उन्होंने ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेट और ग्रीन पार्टी की तरफ तवज्जो दी है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ है कि बहुत सारी मार जो पड़ी है वो गवर्नमेंट टोरी पार्टी को पड़ी है और कुछ मार लेबर पार्टी को भी पड़ी है। तो ये मेरे ख्याल में फेयर असेसमेंट है यूरोपियन इलेक्शन। एक ख्याल ये भी है अफजल खान साहब कि अगर इस सारी फ़जा के अंदर लेबर पार्टी आवाम की नब्ज पे हाथ रखती और आवाम के मिजाज को समझ जाती रेफरेंडम के बाद, और आपकी लीडरशिप ये कहती कि ठीक है यहाँ इस मुल्क के अंदर अक्सरियत ऐसी है जो यूरोपीय यूनियन से निकलना चाहती है तो हम भी यूरोपीय यूनियन से निकलने की पॉलिसी पे अमल पैरा होते हैं, तो आज यकीनन लेबर पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में भी और उसके बाद भी इस पोजीशन में होती कि इलेक्शन हों तो वो, बल्कि यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उनको वाज़ेह अक्सरियत हासिल होनी थी। जी मैं अग्री, ख्याल है मतलब इसमें आपका मुतफिक होना जरूरी मैं, नहीं मैं, है, इसीलिए आपने मुझे बुलाया हुआ है, मैं आपको अपना ख्याल देता हूँ। मेरे ख्याल में अगर आप इस रिज़ल्ट को एनालाइज करें तो जो चीज़ सामने आती है ना वो यही आती है कि कंट्री स्प्लिट हुई हुई है। ठीक, अगर आप देखें कि जो पार्टी रिमेन है उनकी वोट की मकदार क्या है, और अगर आप देखें कि जो ब्रेक्सिट करने वाले हैं तो दोनों बहुत करीब करीब हैं। ठीक, सो एक्चुअली जो असल नुक्ता है सेंट्रल पॉइंट उसमें ये है कि कंट्री वाकई ही डिवाइडेड पड़ी हुई है। तो लेबर पार्टी अगर आप चाहते हैं कि जी कि मेजॉरिटी ब्रेक्सिट की तरफ है, मैं डाउट करता हूं इसको, मैं समझता हूं इस वक्त जो रिमेन वाले हैं वो थोड़ी सी मेजॉरिटी में हैं। अच्छा, दोनों अगर आपको उसको बैलेंस करके देखें ना कि जो रिजल्ट आया है तो रिमेन वाले जितनी पार्टीज हैं उनको जमा एक तरफ करें, ब्रेक्सिट वाले को एक तरफ करें, तो ये एक्चुअली हैवी है रिमेन वाले स्लाइटली, जो कि जो रेफरेंडम था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। रेफरेंडम रिजल्ट ये था कि ब्रेक्सिट वाले 52 थे, रिमेन वाले 48 थे। मेरी असेसमेंट ये इस वक्त है कि इस वक्त रिमेन जो है वो मेजॉरिटी में है और ब्रेक्सिट वाले माइनॉरिटी में हैं। बल्कि अब लोगों का ख्याल ये है कि ये भी आप लोगों की खुशफहमी है, बाद लोगों का ख्याल है कि जो ये समझ रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन अब भी रहना चाहते हैं, अगर एक और रेफरेंडम हो जाए तो इनको पहले से ज़्यादा हैरानी होगी, और ये जो 52 है शायद ये 62 और 72 हो जाएगा। जी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन में भी लोग ख्याल कर रहे थे कि शायद यहाँ भी कुछ झलक नज़र आएगी कि जो लोग रहने वाले हैं पार्टियाँ जो उसकी हिमायत कर रही हैं इनको ज़्यादा वोट मिलेगा। आप देख लीजिए कि नाइजल फराज एक फ़र्द है और उस फर्द के लोग इसलिए नहीं चल रहे कि वो बहुत बड़ा लीडर है, वो इसलिए चल रहे हैं कि उसने जिस चीज़ पर स्टैंड लिया हुआ उस पर खड़ा हुआ है। जी, आई थिंक एक पॉइंट तो ये है कि जितने भी एनालाइज हो रहे हैं रिजल्ट इनको अगर आप देखेंगे तो बात यही है जो मैं कह रहा हूँ कि रोमेन वाले स्लाइटली एज है इनकी। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि ये नैरो गैप है, ठीक, तो क्लियर कट कहना ये ठीक नहीं है, ठीक। तो अगर दोबारा होगा तो चांसेस बिल्कुल हैं इसके बावजूद कि इस वक्त रिमेन वाले मेजॉरिटी हैं, क्योंकि जब रेफरेंडम दोबारा होगा तो फिर वो गेम शुरू हो जाती है ना कि कैसे प्ले किया जाता है मैसेजेस को। उनका जो मैसेज है ना ब्रेक्सिट वालों का वो बहुत सिंपल मैसेज है, वो ये है कि बर्तानिया बहुत ग्रेट मुल्क है, हमारी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हमारा बहुत बड़ा नाम है, वो जो जोश होता है ना मुल्क के जज्बे का उसको वो उभारते हैं।
तो वो आसान है, जज्बे को उबारना जो है हमेशा होता है इजी, इमोशनल चीज़ को कैश करना, लॉजिक्स को कैश करना इजी नहीं होता। लेकिन इसमें लॉजिक्स भी बहुत सारी हैं अफजल खान साहब जी, करें ना आप। मुझे बताया जा रहा है पूरा में वक्त एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे तो अफजल खान साहब के सामने और भी कई सवाल रखेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग टेलीफोन लाइन पे हैं, होल्ड किए हैं, वो चाहते हैं अफजल खान साहब से कुछ सवाल करें, तो आखिरी सेगमेंट में हम आपके सवाल भी लेंगे और अपने मौजूद मेहमान के सामने रखेंगे। फायदा में फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब अफजल खान साहब, जो यूरोपीय पार्लियामेंट के मेम्बर रहे हैं और मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर हैं और आजकल बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं और शेडो मिनिस्टर हैं। अभी मैं बात कर रहा था वक्फे से पहले और कि ये जो ब्रेग्जिट का मामला है, यूरोपीय यूनियन से निकलने का मामला है, इसमें जहाँ बहुत सारे और मामलात हैं वहाँ इमिग्रेशन का जो इशू है जिसके आप शेडो मिनिस्टर हैं वो भी बड़ा अहम है। क्या आप लोगों को अंदाज़ा था या इस हुकूमत को अंदाज़ा है या आप सियासतदानों को अंदाज़ा था कि जब आप इस तरह से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनेंगे आने वाले वक्तों में इतने लोग इस मुल्क में आ जाएंगे और फिर जाहिर है उसी तनासुब से यहाँ जराइम भी बढ़ रहे हैं, एंटी सोशल बिहेवियर भी बढ़ रहा है, बल्कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो ब्रिटिश वैल्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरती चली जा रही हैं। तो ये इस सारे मामले के अंदर ये जो इमिग्रेशन का फैक्टर है कि लोग बग़ैर पासपोर्ट के एक प्लास्टिक का कार्ड दिखा के आते हैं, प्लास्टिक का कार्ड दिखा के चले जाते हैं, आदाद शुमार ही नहीं है कि कितने लोग इस मुल्क में आ रहे हैं, कितने लोग इस मुल्क में जा रहे हैं। ये फैक्टर इस इलेक्शन में जो मिड टर्म हुआ था, फिर यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन में और ये जो रेफरेंडम, इस पे किस हद तक असरअंदाज हुआ है? आई थिंक ये फैक्ट है कि मुख्तलिफ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों ने रेफरेंडम में वोट दिया था ब्रेक्सिट का। ठीक, जितने भी मुख्तलिफ रीजन हैं, शायद सबसे बड़ा रीज़न एक जो है वो इमिग्रेशन है। और उसकी वजह ये भी है कि एक तो ये था कि जब यूरोपियन यूनियन की एक्सपेंशन हुई थी, 10-12 मुल्क नए ईस्टर्न यूरोपियन आए थे, तो उस वक़्त लेबर गवर्नमेंट थी और लेबर गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था कि हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। ठीक, और क्योंकि उस वक़्त इकॉनमी मजबूत थी और लेबर आने से उनकी सोच ये थी कि इकॉनमी और ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन ट्रेजिडी ये हुई थी कि उसके ही बहुत जल्दी बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो ग्लोबल था पूरी दुनिया में, और उसने नॉकआउट किया था इकोनॉमिक बेसिस को जी। तो ये टर्न अराउंड हुआ था, तो लोगों का फिर जो रुझान था वो ये हुआ कि शायद ये ख़राबी है। एक्चुअल फैक्ट ये है कि इमिग्रेशन जो है ये हमेशा बरतानिया के लिए अच्छी रही है। दूसरा फैक्ट इसमें यह है कि आइंदा भी इमिग्रेशन बरतानिया को चाहिए, ये रियलिटी है। तो इस वक्त अगर आप देखें, क्योंकि मैं इमिग्रेशन करता हूं तो मैं इस चीज़ को डेली डील करता हूं, एनएचएस के अंदर कोई 100,000 जॉब्स हैं जो हम पूरी ही नहीं कर सकते जब तक इमिग्रेशन ना हो। ठीक, सिर्फ एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वो ग्राउंड रियलिटी है। इसी में एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पहले वक्त यानी ये जो यूरोपीय यूनियन से लोग आए हैं, पहले जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज से बेशुमार लोगों को ऐसी गुंजाइशों में रखी जाती थी जो प्रोफेशनल्स थे या जो स्किल्ड लोग थे वो वहाँ से आते थे, उस तरफ का दरवाज़ा बंद कर दिया, इस तरफ का दरवाज़ा खोल दिया, इससे भी उलझने पैदा हो रही हैं। हाँ, आप इस तरह आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि जब 60s का दौर था जी, तो उस वक़्त ये फ्री मूवमेंट कॉमनवेल्थ को थी जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 70 से ऑनवर्ड इमिग्रेशन लॉ को टाइट करना शुरू कर दिया जी, तो वो जो दरवाज़ा था वो दिन ब दिन सख्ती से बंद हो रहा है जी, और उसका इम्पैक्ट हम फील कर रहे हैं कि अगर हमारे रिश्तेदार विजिट करने के लिए भी आना चाहते हैं तो उनको भी मुश्किलात फेस की जा रही है। तो ये इनका हक भी नहीं है अगर आप उनको वीज़ा इनकार हो जाए, ये बजाब पॉइंट है। उसके बरहक्स इन्होंने जब यूरोपियन यूनियन वगैरह को ज्वाइन किया 73 के करीब, उसके बाद से ये फ्री मूवमेंट थी जी। तो इस फ्री मूवमेंट में एक पॉइंट ये भी हमें याद रखना चाहिए कि एक तरफ तो ये है कि वो लोग हमारी तरफ आ सकते हैं जी, लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ भी चीज़ है कि हमारे सारे लोग उधर भी जा सकते हैं और जाते भी हैं और हैं भी इस वक्त मुख्तलिफ मुल्क हैं, स्पेन वगैरह में भरे हुए हैं। लेकिन अगर आप आदाद शुमार लें कि कितने लोग जो है बल्गेरिया, कितने लोग रोमानिया गए, तो वहाँ ना होने के बराबर हैं जी। हाँ, लेकिन यूरोपियन यूनियन एज अ होल जब देखेंगे तो उसमें है।
तो ये गिव एंड टेक की बात है, हैज अ पॉलिसी ये पॉइंट था कि ठीक है, लेकिन इसके साथ दूसरा पॉइंट ये था कि यूरोपियन यूनियन के रूल ये नहीं कहते कि जो मर्जी जाए जाए, उसके रूल के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हैज़ अ गवर्नमेंट, चाहे वो लेबर गवर्नमेंट थी चाहे वो टोरी गवर्नमेंट है, इन्होंने वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो भी यूरोपियन यूनियन से आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो आ सकता है, मतलब सिर्फ ये है कि अगर काम है तो आ सकता है, ठीक, तो काम के बगैर आना उनको भी इजाज़त नहीं है, लेकिन हमने उसकी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई ही नहीं की, तो फिर ये कंट्रोल्ड इमिग्रेशन क्यों नहीं की इन्होंने? ये चॉइस थी। तो ये एक्चुअली यूरोपियन यूनियन पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, हमें अपनी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए, अक्सर लोगों के इल्म में नहीं है जो ये बात नहीं है। हाँ, तो उन्होंने चूज़ किया है कि अप्लाई रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी, अब कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, लेकिन अब टू लेट है ना, अब तो उनको प्रॉब्लम ये बना हुआ है कि जो रेफरेंडम रिजल्ट आया हुआ है, अब जो प्रेशर है वो एक्चुअली ये है, एक तो पब्लिक मैं समझता हूँ किसी हद तक वो प्रायोरिटी नहीं है इमिग्रेशन के नुक्ते नज़र से जो आज से 3 साल पहले थी, और इसका दूसरा नुक्ता जो मैंने टच नहीं किया वो ये था कि जो सीरिया में प्रॉब्लम हो रहा था, और जब जर्मनी ने मिलियन के करीब लोग अपने लिए थे रेफ्यूजीज, उसकी किरदार आपको याद होगा कि नाजिफ फराज ने बहुत बड़ा पोस्टर लगाया था कि ये मिलियंस टर्क आ रहे हैं जी। तो ये चीज़ें डर के तौर पर इस्तेमाल की गई थी रेफरेंडम के अंदर। इस वक्त इमिग्रेशन जो है दूसरे तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे नहीं है। नहीं, लेकिन किसी भी मुल्क के लिए जब कंट्रोल्ड इमिग्रेशन होती है, आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो स्किल्ड हों और आके इस मुल्क में काम करें और टैक्स दें, तो उससे मुल्क की इक्तसादी हालत बेहतर होती है, बजाय इसके कि रेवड़ के रेवड़ आ जाएं और यहाँ NHS पे, यहाँ के तालीमी निज़ाम पे, यहाँ के बेनिफिट सिस्टम को आगे खाना शुरू कर दें, वो तो सरासर नुकसान की बात है जी। सही है, लेकिन अगर आप देखें ना NHS की आपने बात की है, तो पहली तो बात ये है कि 11% के करीब जो वर्कफोर्स है वो EU की है, ऑलरेडी 100,000 हमारी कमी है, अगर ये 11% भी आप निकाल देंगे तो NHS का क्या हाल होगा। दूसरी बात ये है सर्विस के बारे में कि भाई वो इस्तेमाल करते हैं, आज भी फैक्ट ये है कि जो लोग यूरोपियन यूनियन से आके इस्तेमाल करते हैं वो कई गुना कम हैं इससे जो आके सर्विस कर रहे हैं हमारी खिदमत करने के लिए, वो ज़्यादा हैं। और तीसरा पॉइंट ये नहीं हमें बोलना चाहिए कि ये जो लोग नॉर्मली आते हैं ये यंग लोग होते हैं, यंग लोगों को ये सर्विसेज इस तरह की कम चाहिए होती है। ये जो हेल्थ की सर्विस है इसमें दो हिस्से होते हैं जहाँ बारी होती है, एक जब आप बच्चे होते हैं उस वक्त ज़रूरत ज़्यादा होती है, दूसरे जब आप ज़िंदगी के आखिरी दिनों में आते हैं तो ज़रूरत ज़्यादा होती है NHS की, तो ये ग्रुप उसमें आते ही नहीं है। आप ये बताइए अफजल साहब, आप आखिरी दफ़ा एमरजेंसी किसी भी अस्पताल के एमरजेंसी में कब गए हैं? जी मैं एमरजेंसी के तौर पे तो नहीं गया, लेकिन एमरजेंसी के शोबे में वैसे गया हूं। मैं गया हूँ, रिसेंटली गया हूँ। मुझे अगर आप लंदन की किसी एमरजेंसी की लंदन नहीं मैनचेस्टर में, लंदन में अगर कहीं जाएं तो बड़े बड़े अस्पतालों के एमरजेंसी शोबे में 20 अगर मरीज बैठे हुए हैं तो उसमें से 7-8 मरीज हैं जो ड्रंक हुए हुए हैं, और उनमें से अक्सर यूरोप के हैं। मैं लोगों का मुशाहिदा बता रहा हूँ आपको, और अगर वो 20 में से 7-8-10 जो है वो उनके साथ इतने ही तर्जुमान बैठे हुए हैं, इंटरप्रेटर बैठे हुए हैं, really? यंग हैं, ड्रंक हुए हैं, जख्मी हुए हुए हैं, और वो वहाँ बैठे हुए हैं, और रात के 12 बजे 1 बजे इतने ही इंटरप्रेटर वहाँ बैठे हुए हैं। सही। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हर हफ्ते हर रोज की बात है। सही कह रहे हैं आप। तो लोग जब NHS में भी जो लोग ये सारी सूरत हाल देखते हैं तो वो जाहिर है सोचने में मजबूर होते हैं, फिर जब वोट डालते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से वोट डालते हैं। आई थिंक किसी हद तक आपका वजन है गुफ्तगू में, और मैं आपकी बात को आगे बढ़ा के फिर जवाब देता हूँ। आपकी बात के आगे ये है कि मुख्तलिफ सर्विसेज के लिहाज से, स्कूलों के लिहाज से, हाउसिंग के लिहाज से, हर तरफ ये प्रेशर है जी। लेकिन ये कहना कि भाई ये यूरोपियन की वजह से है, ये ठीक नहीं है। उसकी दलाइल ये है कि एक तो ये है कि जब आप लंदन का हवाला दे रहे हैं तो पूरे बरतानिया के सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स सिटी है वो लंदन ही है, तो जहर है आपका रेशियो यहाँ ज़्यादा होगा कंपेयर टू बाकी जगहों से। तो जब बरतानिया की बात करते हैं तो वो फिर लंदन नहीं है। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि ये है कि अल्टीमेटली ये जो हमारे कट्स आ रहे हैं पिछले 8 साल से, इसको नहीं इग्नोर करना चाहिए। आप ये देखें कि जो हमारे काउंसल्स हैं पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनका बजट जो है तकरीबन हर जगह पे आधा हो चुका है। तो जब आप बजट कट करेंगे तो क्या उस पे सर्विसेज पे इम्पैक्ट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अगर आपके बजट में कमी आ रही है, टाइटनेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है,
तो स्कूल प्लेसेस नहीं हैं, तो फिर आप फिर करते हैं ना भाई किसका कसूर है, तो फिर नॉर्मली कट्स की तरफ गौर करने के बजाय हम यूरोपियन या दूसरे जो लास्ट अंदर आते हैं ना उनकी तरफ इशारा करना शुरू कर देते हैं। हकीकत ये है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे पब्लिक सर्विसेज के कट्स आ रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, ये उसका इम्पैक्ट है। आप 30 साल से सही मकान नहीं बना रहे जो जरूरत है, और ये दोनों पार्टियों की तरफ से गफलत हुई है। मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा कि मैं लेबर पार्टी से हूँ, लेबर के दौर में भी गफलत हुई है कि हमने नहीं इनफ मकान बनाए। तो मुझे याद है जब मैं आज से 18-20 साल पहले काउंसलर था, अगर मेरे पास कोई आता था तो हमारे पास काउंसिल हाउसेस सोशल हाउसेस अवेलेबल थे, मैं 2-3 महीने में एक दे सकता था मकान का अरेंजमेंट करके। अब मैं MP हूँ, अगर मेरे पास आज भी कोई आए मैनचेस्टर में भी आए तो मुझे पता है कि मैं नहीं मकान का बंदोबस्त कर सकता, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 5-6 साल हो चुकी है। तो ये फेलियर लीडरशिप की है कि जो सर्विसेज चाहिए उसमें कट्स होते रहे हैं और सर्विस का इंतजाम सही नहीं किया गया। इससे फायदा सही नहीं होगा कि इसका सारा इल्जाम हम दूसरों पे डाल दें। बिल्कुल ठीक। अब ये यूरोपीय यूनियन का मामला है, आप वैसे तो हल किसी के पास भी नहीं है, आप चूंकि आपको 2 फायदे हैं, एक तो आप यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन रहे हैं, आपको वहां के अंदर के हालात पता हैं, अब आप बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा, आपको यहाँ के हालात भी पता है। पहले तो हमें थोड़ा सा ये एजुकेट करें कि असल हकायक क्या है। बरतानिया यूरोपीय यूनियन को ज्यादा दे रहा है, ये लोग कहते हैं ना कि हम दे बहुत हमें रहे हैं, हमने उनको बचाया हुआ है, हमें मिल बहुत कम रहा है, ये हकीकत, ये मिथ है क्या? सही, आप उधर के हालात भी जानते हैं, इधर के भी, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। आप सही निशानदेही की है, मैं एक वाहिद मुसलमान हूं पूरी दुनिया में जिसने दोनों पार्लियामेंट में सर्व किया हुआ है, तो मुझे नॉलेज है इस चीज का। आई थिंक सच अगेन ये है कि इसको आप मेजर कैसे कर रहे हैं जी? अगर आपकी मेजरमेंट स्ट्रेट मॉनिटरी है कि भाई हम कितने पैसे दिए हैं, कितने वापस लिए हैं, तो फिर जो चीज आपको नजर आएगी वो ये है कि हमने अगर 100 मिलियन दिया है तो वापस हमें कोई 80 मिलियन मिला है, इसका मतलब यह है कि हम 20 मिलियन उनको दे रहे हैं। ये मैं एक फिगर दे रहा हूँ, ठीक ठीक। सो अबाउट 80% हमें वापस आते हैं और 20% का गैप है, ठीक। लेकिन अगर आपने इसको मेजरमेंट दूसरे तरीके से करना है कि अगर ये हमने खर्चा किया है दुकान को सेटअप करने के लिए, तो अब ये देखें कि मुनाफा बाकी चीज़ों से कैसे आ रहा है। तो अगर वाइडर चीज़ को आप देखेंगे तो फिर ये है कि हमारी जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, खर्चा कम लगा रहे हैं लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस जो है वर्ल्ड स्टेज पे बहुत ज़्यादा है बिजनेस के नुक्ता नज़र से। फिर हम एक ऐसी टीम के साथ हैं जो नंबर 1 है दुनिया में, तो जब आप नंबर 1 होते हैं तो फिर आप स्टेज को सेट करते हैं दूसरों को फॉलो करने के लिए। थीक, थीक। अगर हम नंबर 1 नहीं होंगे तो फिर हम नंबर 5 होंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि बरतानिया नंबर 1 हो या नंबर 5 हो? तो ये वो मेजरमेंट हैं जिसको देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ बरतानिया एक छोटा मुल्क है, ये वो वक्त नहीं है कि सूरज ग्रूब ही नहीं होता, वो वक्त था बरतानिया पे कि सूरज ग्रूब नहीं होता था, लेकिन आजकल सर्दियों में अब देखें तो 4:30 बजे ग्रूब हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ मिलने से हमें वो नंबर 1 मिलता है जिस पे हम वर्ल्ड स्टेज पे एक बड़े प्लेयर के तौर पर अभी भी प्ले कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो यूरोपीय यूनियन से मुतालिक लोग इस मुल्क में हैं, बाज़ लोगों को एतराज़ ये भी है कि उनके हकूक इस मुल्क में ज़्यादा हैं बनिस्बत बरतानवी शहरियत रखने वालों के। एक मिसाल लोग देते हैं कि एक आदमी बरतानवी शहरी है, वो इंडिया में अब से वहाँ शादी करता है या बांग्लादेश में शादी करता है, वहाँ से अपने स्पाउस को बुलाना चाहता है, वो कहते हैं नहीं जी आपके पास 18,500 या इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए, ये आपके घर होना चाहिए। जबकि किसी भी यूरोपीय यूनियन का बंदा यहाँ आके अपने सास ससुर को किसी को बुलाना चाहे वो बग़ैर किसी इस किस्म के ज़ाबते कानून के, इस पर भी लोग बड़ा एतराज़ करते हैं। बात दुरुस्त है इस तरह से? दुरुस्त है। तो इसका मतलब बरतानिया में रहने वालों के हकूक कम हो गए और जो यूरोपीय यूनियन के लोग हैं यहाँ रह रहे हैं उनके हकूक ज़्यादा हो गए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है इस नुक्ते में, ये बात सही है आपकी कि अगर आप शादी यूरोपियन लड़की के साथ करें या लड़के से तो वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है जी, और आ सकता है। अगर यही शादी आपने कॉमनवेल्थ के किसी मुल्क से की है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल, तो बकायदा आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है स्पाउस को शो करना पड़ेगा, घर भी है, आमदन भी है, मैरिज भी जेन्युइन है, तो ये चीज़ें टेस्ट पास करने के बाद अब आएंगे। तो ये फ़र्क सिर्फ ये है कि
जो हमारी एग्रीमेंट थी यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक, वो एज अ सॉवरेन कंट्री हमने एग्रीमेंट की हुई है ना, जैसे कि हमने पहले कॉमनवेल्थ वालों के साथ किया हुआ था कि आए जाए कोई मसला नहीं है। तो ये फॉल्ट यूरोपियन यूनियन की नहीं है, ये फॉल्ट हमारी अपनी गवर्नमेंट की है, तो क्या कि जिन्होंने ये ड्यूल प्रोसेस रखा हुआ है। और मैं एज ए शैडो मिनिस्टर मैं इस पॉइंट पे निशानदेही करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब हम बाहर आ रहे हैं तो अब हमें ये मौका है कि हम इमिग्रेशन कानून को सिंप्लीफाई करें। इस वक्त इतने पचीदा हैं, कॉम्प्लेक्स हैं कि एक्चुअली जज को भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि लॉ है क्या इमिग्रेशन, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें और बराबरी पर लेके आए। अगर हम बाहर हैं तो डजंट मैटर कि वो पोलैंड से है या पाकिस्तान से है, बराबर उसूल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अफजल खान साहब से गुफ्तगु जारी रहेगी, वक्त तो एक छोटे से वक्फे का, तो प्रोग्राम जायजा में चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। प्रोग्राम जायजा के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब अफजल खान साहब, साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर और यूरोपीय पार्लियामेंट के साबिक रुकन और आजकल ये बरतानवी पार्लियामेंट में शेडो मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन के। मैं आपसे और बहुत सारे सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, एशियाई भी, पाकिस्तानी और कश्मीरी निजात भी, मुसलमान भी। होता यह है कि एक स्ट्रगल के बाद आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि आप बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाते हैं, यहाँ के जो कानूनी मामलात हैं उसमें आपका बड़ा अमल दखल शुरू रहता है। लेकिन मैंने देखा है कि आप अपने पीछे आने वालों की परवाह नहीं करते। जितने सियासतदान हैं यहाँ बरतानवी पार्लियामेंट में, मैंने कभी नहीं देखा कि वो एशियन यंगस्टर्स के लिए कोई उन्होंने दरवाज़ा खोला हो या किसी का हाथ पकड़ा हो कि हम तो यहाँ तक आ गए, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारे लिए भी ये रास्ता है। आपने कोई यंग लीडरशिप का कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू किया, मुझे बताया गया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें तफसील बताइए ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं या वालदैन हैं जो देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को सियासत की तरफ लाना चाहें, बरतानवी पार्लियामेंट तक लाना चाहें, तो उनके लिए आप जैसे लोग रोल मॉडल हैं, उनको भी पता चले कि यहाँ ये रास्ता है जिसके तरीके से आप अपनी लीडरशिप तक पहुँच सकते हैं। जी, मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि अच्छे लीडर की निशानी ये होती है कि वो लीडर और बनाए, ये नहीं होती खुद लीडर बना रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खुद गाड़ी में सवार होकर दरवाज़ा नहीं बंद करें, नहीं किसी और का भी हाथ सीढ़ी खींचे नहीं कि दूसरा ना कुछ करे, बल्कि सीढ़ी प्रोवाइड करें, हाथ दें ताकि वो सीढ़ी में ऊपर आए। और दूसरा मुझे जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत अरसे से मैं कम्यूनिटी के फील्ड में हूँ और हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर आग लगी हुई है और जुल्म हो रहे हैं। तो मैं जब नमाज के लिए भी जुमे को जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ी दुआएं मांगी जाती हैं, तो हमेशा मेरे माइंड में एक पॉइंट आता था कि भाई आप ये दुआएं कर रहे हैं, दुआ ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ठीक, कि अगर आप तारीख को देखें, नबी करीम की सुन्नत को देखें, तो आपको ये चीज़ होगा कि उन्होंने लीडरशिप तैयार की थी। बिल्कुल ठीक। ये वजह थी कि तारिक बिन वलीद थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, सलाहुद्दीन बिन अय्यूबी थे। ये दुआ कर देना कि या रब हमें दे ये इस तरह के लोग, ये इनफ नहीं है, महज काफ़ी नहीं। ये हमारा काम है कि इन लोगों को तैयार करें। ठीक, तो ये वो रोल है जिसे अदा करना है। तो मैंने इस लिहाज से फिर एक प्रोग्राम तैयार किया है जो हमने अभी शुरू किया है, जिसमें हमने सेलेक्ट किए हैं कुछ दर्जन के करीब यंग लोग। अच्छा। और उनको बकायदा मकसद ये है कि जितनी मेन इंस्टीट्यूशन है बरतानिया के अंदर, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट है। अच्छा। जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि हमारी ट्रेड यूनियन है। अच्छा। जैसे कि हमारे कोर्ट सिस्टम है। अच्छा। पार्लियामेंट है, तो मीडिया है, तो हमने उनको फिर लेके इन टॉप लीडरशिप के पास जाना, उनको एक्सेस देना, उनसे गुफ्तगू करना, उनसे बात करना कि चैलेंजेस कैसे हैं, प्रॉब्लम को कैसे वो हल करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने तैयार किया है जो चीक किया जा रहा है। मैनचेस्टर टाउन हॉल में हमारे सारे चिल्लीस हैं, उन्होंने बकायदा टाइम दिया है, चार एग्जेक्टिव मेम्बर थे उन्होंने टाइम दिया था। फिर हमने ITV के हेडक्वार्टर में जाके जो न्यूज़ के हेड हैं, जब न्यूज़ हम सुनते हैं वो कैसे न्यूज़ बनती है, क्यों वो इसको चूज़ करते हैं कि ये न्यूज़ है ये न्यूज़ नहीं है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, कैसे वो इस चीज़ को पुल टुगेदर करते हैं, ताकि वो फिर हमने किया। इसी तरह ट्रेड यूनियन, यूनाइट यूनियन है, PCS है, बहुत बड़ी यूनियन, दोनों उनके टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग कराई। अभी हम इनको आज लंदन लेके आए हुए थे, यहाँ पे रॉयल कोर्ट में जो जस्टिस हैं उनके सामने लेके रॉयल कोर्ट दिखाया कैसे इंसाफ होता है, इनका मेयार क्या होता है, इनके प्रेशर्स क्या हैं,
और इसी तरह टाउन पार्लियामेंट के अंदर हमारे जर्मी कोबन, जॉन मैकडोनल और भी एग्जीक्यूटिव शूरा के मेंबर जो हैं हमारे लेबर पार्टी के, और इसी तरह गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी फिर वो आए और उन्होंने फिर अपने ख्यालात यंग लीडरों के सामने रखे, उनके सवालों के जवाब दिए। अच्छा। तो ये वो एक तरीका है डेवलप करने का। बड़ा ही अच्छा है, आप अपने पीछे आने वालों के लिए भी रास्ता हमवार करते चले जा रहे हैं। जब आप हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें याद है कि जब 9/11 हुआ था उसके बाद पूरी दुनिया में इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की गई। ख्याल ये था कि ये मुहिम जो शुरू हुई है इससे दहशतगर्दी कम होगी, इससे इंतहा पसंदी कम होगी, लेकिन अजीब बात है कि 9/11 के बाद इंतहा पसंदी जब मुहिम चलती है, फ़र्ज़ कीजिए आप यहाँ जो है जो कूड़ा करकट लोग फेंकते हैं उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं तो कूड़ा करकट आपको नज़र नहीं आता, इसी तरह से जब ये मुहिम चली दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ तो ख्याल था कि ये इंतहा पसंदी कि फैल क्यों रहा, अजीब मुहिम है कि जिसके नतीजे में वो मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं, वजह क्या है? बहुत आसान सवाल किया आपने। जी मैं बड़ी करीब से इस चीज़ को देख रहा हूँ, 9/11 को भी देख रहा हूँ और 7/7 को भी देखा है लंदन में, मैंने होम ऑफिस टास्क ग्रुप पे भी काम किया है। बुनियादी गलती हुई हुई है यहाँ पे, ठीक, जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो ये काम बेहतर नहीं होगा। वो बुनियादी गलती ये की थी कि जब पहले 9/11 हुआ था तो ये कोइन किया गया था टर्म को वॉर ऑन टेरर, जी। जब 7/7 हुआ था तो मैं उस वक्त लॉर्ड मेयर था मैनचेस्टर का, तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी, वो ये थी कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। बिल्कुल ठीक। तो जब आपने इसको रिलीजन दे दिया है तो यही आपकी हार है। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत बड़ी गलती की हुई है कि सिविलियन को बचाना, इंसाफ को आगे बढ़ाना, ये बुनियादी चीज़ है। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो ये कन्फ्यूजन जो है ब्रीड करेगी, एक्सट्रीम और ब्रीड करेगी। आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो दूसरी आती है उससे बढ़ के एक्सट्रीम आ रही है, उसके बाद जो ग्रुप आता है उससे बढ़ के एक्सट्रीम आ रहा है, तो ये एक्सट्रीम जनरेट कर रहा है फर्दर एक्सट्रीम को, तो हम इसको हैंडल नहीं कर रहे। तो इसके बुनियादी नुक्ते पर जाने की ज़रूरत है कि हमें किसी ग्रुप को ये अटैक नहीं करना चाहिए। ये कैसे हो सही है कि 1.45 बिलियन मुसलमान हैं तो ये सारे इस्लाम को इसका जवाब देना पड़े? कौन से ग्रुप के अंदर गलत लोग नहीं हैं? कौन सा ऐसा मज़हब है जिसके एक्सट्रीम लोग ऐसे नहीं हैं? अमेरिका में हज़ारों लोग हर साल मारे जाते हैं और वो गोरे गोरों को मारते हैं, वहाँ तो कभी नहीं हुआ कि एक आदमी बंदूक लेके स्कूलों के अंदर बौछाड़ कर देता गोलियों की, वहाँ आपने बहुत आपने सही निशान देखी। वो देखें कि वो कई 100% ज़्यादा वहाँ किलिंग जो है उनके इंटरनल कर रहे हैं, तो वहाँ पे गन पे कंट्रोल नहीं करना चाहते, ठीक, अपनी तरफ मसले को हल करने के लिए, लेकिन वॉर ऑन टेरर पूरी दुनिया को अजाब बनाया हुआ है। नहीं, इससे बड़ी मिसाल ये है कि आप सऊदी अरब को, आप वहाँ मिडल ईस्ट में इतना असलाह बेच रहे हैं और आप कहते हैं वहाँ अमन आ जाए, जी, यानी आप असलाह जो है फूल तो नहीं खिलाता ना, वो आग और बारूद जो है उससे तो मसाइल ही पैदा होते हैं। यानी अगर ये मुल्क तय कर लें कि हमने असलाह नहीं बनाना, असलाह नहीं बेचना, तो जंगें ख़त्म हो जाएंगी। जी, एक तरफ से आप जंगों के लिए असबाब मुहैया कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि दुनिया में अमन काम हो जाए। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इजंट इट? ये फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल और डीपर गेम हो रही हैं। आप देखें ना, इस वक्त जर्मी कोबन जो है उस आदमी का कितना लंबा बैक रिकॉर्ड है कि हमेशा वो जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, ह्यूमन राइट के अब्यूज़ के ख़िलाफ़ उठाता है, लेकिन मीडिया हमारी भरी पुड़ी है कि ये तबाही कर देगा अगर ये हुकूमत में आ जाएगा। वो क्या तबाही कर देगा, वो तो अमन का पैगाम दे रहा है ना, लेकिन इनको अमन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अमन आ जाएगा तो ये असला कैसे फरोख्त करेंगे? तो ये वो बुनियादी हमें सोच होनी चाहिए कि जब ये मीडिया इस तरह का प्रोपोगंडा करता है तो हमें अवेक होना चाहिए कि नहीं, हमें हमेशा जो अमन का आवाज़ देता है उसका साथ देना चाहिए, जो इंसाफ का आवाज़ देता है उसका साथ देना चाहिए। ये जो इस्लामोफोबिया का बीज दरख्त बन गया है, अभी इस्लामोफोबिया को सामने आप रखें तो क्या आने वाले दिनों में यहाँ मुसलमान और मुस्लिम कम्यूनिटी महफूज है और ये इस्लामोफोबिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नफ़रत आमेज तर्ज़ अमल है ये कम होगा? आई थिंक हमें अशद ज़रूरत है इस चीज़ को प्रायोरिटी देने की, क्योंकि अगर आप मीडिया को देखें, जैसे आपने 9/11 की बात की है, 7/7 की बात की है, तो आप किसी दिन देख लें, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना हो। बिल्कुल ठीक। ये कोई 80% हमारी कवरेज जो है वो नेगेटिव होती है। तो जब
किसी शख्स को बार बार एक ही तस्वीर पेश की जा रही है, उसने असल मुसलमान किसी को देखा भी नहीं है, कोई साथ तावन भी नहीं किया, तो उसके लिए तो मुसलमान वही है ना जो मीडिया पेश कर रहा है, तो ये फिर वो ब्रीड कर रहा है इस्लामोफोबिया को। तो इसीलिए हमने पिछले साल पूरी मेहनत की है यहाँ पे APPG ब्रिटिश मुस्लिम के नुक्ते नज़र से हमने एक बाकायदा रिसर्च करके एक्सपर्ट्स को साथ ला के एकेडमिक को साथ लेके एविडेंस को सुनने के बाद फिर हमने एक डेफिनेशन पेश किया है। बहुत सी जमातों ने इस चीज़ को अब एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन आज भी टोरी पार्टी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, और हमारे लिए अफसोस की बात यह है टोरी पार्टी के नुक्ते, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है, अपोजिशन सारी मान भी जाए कानून तो नहीं बदलेगा ना अगर ये चीज़ नहीं करेंगे। तो हम इस पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो क्यों इस तरह के इस्लामोफोबिक उनके सफ़ों के अंदर हैं, क्या वजह है कि ये इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो क्यों इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। ये वॉर्म वर्ड करने से फ़ायदा तो नहीं होगा जब तक अमली काम ना किया जाए, तो ये ज़रूरत है कि इस डेफिनेशन को एक्नॉलेज किया जाए। जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आगे नहीं काम कर सकेंगे और ये चीज़ बढ़ती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ के मीडिया के अंदर भी ऐसे अवामिल हैं जो चाहते हैं, हवा दे रहे हैं जी, दे रहे सारी चीज़, लेकिन कभी आप दूसरी तरफ भी देखते हैं कि जो मुसलमान हैं, हमारी मुसलमान कम्यूनिटी और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी जो हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ ठीक हैं इस मुल्क में रहते हुए जो होनी चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से। आप मैनचेस्टर में रहते हैं, मैं लंदन में रहता हूं, अगर मैं देखता हूं, आप देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी तरजीहात ठीक नहीं हैं, कमज़ोरियाँ हैं। और हमें जब हम देखते हैं तो हमने बहुत सी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, हाँ, तो हमें उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन जिंदा कौम की निशानी ये होती है कि कमज़ोरियों पर ध्यान रखना और उनको रिमूव करना। और इसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें। मैं एक सिंपल पैगाम देता हूँ अपने बहन भाइयों को कि देखें, आप अपने बच्चे को दीन सिखा दें, दीन उनको ज़िंदगी सिखा देगा। वाह 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 जी, बड़ी अच्छी बात है, तो बड़ी बात है। ये हमें फोकस करने की ज़रूरत है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप बच्चों को टाइम दें। आप टाइम नहीं देंगे तो अगर वो कार्टून देखते रहेंगे तो फिर कार्टून ही बनेंगे। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल और भी उठता है कि जो दीन कौन सिखाएगा, माँ बाप खुद सिखाएं या मस्जिद में भेज दें वहाँ दीन सिखाएगा? नहीं, दीन सिखाना फरीजा वालदैन का है। कुरान ये कह रहा है कि अपने औलाद को, बाल बच्चे को आग से बचाएं। हाँ। वो मौलवी को तो नहीं कह रहा, हाँ। इल्माए किराम की ये ड्यूटी नहीं है, वो हमारे हेल्पर हैं। बड़ी अच्छी बात की, वो हेल्पर हैं, ड्यूटी हमारी है। हम उलमा पे या मौलवी हजरात पे डाल देते हैं, हमने मस्जिद भेज दिया, सिपारा पढ़ा, वो हमारे हेल्पर हैं, वो हेल्प करें, अच्छी बात है, वो और अच्छी तरीके से हेल्प करें, उनमें भी कमजोरियां हैं वो भी करें, लेकिन फरीजा किसका है? वो वालदैन का है। बिल्कुल ठीक। इतना लंबा सफ़र है आपका, काउंसलर से और बरतानवी पार्लियामेंट तक, बीच में बड़े बड़े संगे मील भी आए हैं जी, माइलस्टोन्स भी आए हैं। कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको आप पीछे की तरफ मुड़ के देखें तो कहते हैं ये लोग वाकई थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे लिए रास्ता हमवार किया, जिस तरह अब आप यंगस्टर्स के लिए कर रहे हैं? कुछ ऐसे नाम होंगे जिनको आज आप एक्नॉलेज करना चाहें? जी, सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा मुझे अपने वालदैन की दुआएं हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने वालदैन की खिदमत करूँ, जो उनके ख्वाहिश हो उसको पूरा करूँ। मैं फरीजा समझता हूँ तो ये मैं करता हूँ। मेरे वालद मोहतरम फोत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे, वालदा हैं, मैं अब भी रेगुलर उनकी खिदमत के लिए हाज़िर होता हूँ, करता हूँ। मेरी अपनी क्लोज़ फैमिली है, मैं समझता हूँ। मेरी जो वाइफ है वो बहुत बड़ी हेल्पर है मेरी। हाँ, मुझे याद है जब आप लॉर्ड मेयर थे तो आप जब वो इतना शानदार हार पहन के तकरीबा में आपकी बेगम हर जगह मौजूद होती थी। मैं पूछने वाला था कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। उसका मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अंदर बहुत सी कमजोरियाँ भी हैं और बहुत सा टाइम मैं बाहर लगाता हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा मसरूफ हो गए। हाँ, तो उसके बावजूद वो उस चीज़ का सहारा बनना, गाइड करना, मशवरा देना उन्होंने हमेशा किया है, तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ। बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं जो सॉलिड दोस्त हैं, 100% हैं। अच्छे वक्त पे तो सब दोस्त होते हैं, लेकिन जब मुश्किल में वक्त आते हैं तब भी साथ होते हैं। तो मैं खुशकिस्मत रहा हूँ कि जहाँ मुझे दुश्मनी भी बहुत सी मिली है। मैं जब यूरोपियन पार्लियामेंट में बना था तो मैंने निक ग्रिफिन को डिफीट किया था, जो ब्रिटिश नेशनल पार्टी का था। अभी मैं जब MP बना हूँ तो मेरे मुखालिफ जो था वो जॉर्ज गालवे था, जो बहुत मशहूर इंसान है, जहाँ से खड़े हो जीत जाते थे। जी हाँ, तो लोगों का साथ था, बहुत अच्छी मेजॉरिटी मेरे पास इस वक्त भी है। मैनचेस्टर की तारीख में सबसे बड़ी मेजॉरिटी मुझे है, मेरे पास है। बड़ी अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब अफजल खान साहब। नाज़रीन मोहतरम,
अफजल खान साहब जो बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं, शेडो मिनिस्टर हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे लोग जो टेलीफोन लाइन पे इनसे बात करना चाहते थे, उनसे भी माजरत कि आज हम उनकी टेलीफोन कॉल नहीं ले सके। इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं किसी वक्त जहमत देंगे। बहुत सारे और भी मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू करनी है, कश्मीर के मामले पर इनसे बात करेंगे और अल्लाह करे बरतानिया किसी नतीजा खेज फैसले पर पहुँच जाए और ये हम बरतानवी लोग जो है यूरोपीय यूनियन में रहते हैं या नहीं रहते हैं इसका भी फैसला हो जाए, फिर इन्हें जहमत देंगे, अल्लाह करे ये वजीर बने और फिर इनसे मजीद सवालात करेंगे। अब अपने मेज़बान फैज़ान आरिफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।